Disco. So guys, welcome back to my vlog. So guys, अभी हमें फिलहाल इस वक्त प्रेजेंट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास, तो देख सकते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरह का नजारा है। एंड आज का जर्नी हम लोग का होने वाला है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आनंद विहार। सो हम यहाँ से पकड़ने वाले जनसाधारण एक्सप्रेस। सो यहाँ से जाएगी अप्रोक्स, वो समस्तीपुर से आती है एंड वो आनंद विहार जाएगी। समस्तीपुर से 6:23 में खुलती है वहाँ से, एंड आनंद विहार 7:23 इवनिंग टाइम में, शाम के समय में छोड़ेगी। सो यही है कुछ हम लोग का, देखते हैं कैसा जर्नी है। बिकॉज हमें इसलिए जाना पड़ता है वहाँ न्यू दिल्ली कि मेरा एग्जाम होने वाला है। इस हमारे कॉलेज में एग्जाम का डेट शीट आ गया हुआ है, तो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं एंड देखते हैं कैसा जर्नी है और किस तरह से क्या क्या कितना स्टेशन पड़ता है। सारा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। वो हमारी जो ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ कैमरामैन इधर दिखाना, यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था है। एंड इधर देखो भाई, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो इंजन कहाँ रहा हो, यहाँ पे इंजन रुकता है। एंड हम रेलवे स्टेशन के काफ़ी एंड काफ़ी लास्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ से ट्रेनें जाती है। एंड इधर देख सकते हो कुछ, इधर प्लेटफॉर्म 2 नंबर दिखा दो। ये हो गया रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरह के नज़ारा। यहाँ पे कुछ इस तरह से भीड़ें मिलेगी। सो यू कैन सी गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ट्रेनें नहीं आई है यहाँ पे। एंड यही है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे दुकानें वुकानें खुली हुई है यहाँ पे छोटी मोटी। एंड यहाँ पे देखो ट्रेन आ रही है ये, एंड जिस तरह से भीड़ें मिलेगी आपको यहाँ पे। ये देखो, ये जो ट्रेनें जा रही है ये राजधानी एक्सप्रेस है जो न्यू दिल्ली जाती है। एंड यही है राजधानी एक्सप्रेस, यू कैन सी गाइस, ये मुजफ्फरपुर से जाती है न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं वो ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पर आ रही है, जो जनसाधारण एक्सप्रेस जो हम पकड़ने वाले हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे वो आ चुकी है ट्रेनें। सो यही है जनसाधारण एक्सप्रेस। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे देखेंगे क्या क्या हम लोग को रास्ता में क्या क्या पड़ता है, किस तरह से सारा चीज़ आपको दिखाऊँगा, वीडियो बने रहें। ये ट्रेन जाएगी, ये पूरे जनरल है, ये जो ट्रेन में जितने भी बोगी है सारा के सारा जनरल है। तो देख सकते हैं सब जनरल बोगी है इसमें। अगर आप लोग ट्रेवल करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। खाली है, तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 2 नंबर पर आई है। सो हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह से सीटें हैं। ये वाला जनरल है? हाँ यार, जनरल भी, ये भी जनरल है, सब जनरल है इसमें, जितने भी बोगी है सब जनरल है। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं हम फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मोतिहारी। सो मोतिहारी का ये स्टेशन है। सो यहाँ देख सकते हैं बापू धाम मोतिहारी लिखा हुआ है। ये हो गया बापू धाम मोतिहारी का कुछ इस तरह के मार्केट। तीन स्टॉपेज पड़ा है, जो स्टॉपेज मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि छोटा छोटा स्टॉपेज था, तो वीडियो लंबी हो जाती इसीलिए मैंने छोटा स्टॉपेज सब नहीं दिखाया हूँ। सो अभी फिलहाल हम लोग नरकटियागंज पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये नरकटियागंज है, लाइटें लग चुकी है यहाँ पर नरकटियागंज पे। एंड ये हो गया नरकटियागंज का रेलवे स्टेशन। ये हो गया नरकटियागंज रेलवे स्टेशन। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं बाघा, बाघा रेलवे स्टेशन है। सो यही है बाघा रेलवे स्टेशन। सो फिलहाल यहाँ पे एक स्टॉपेज है। सो सारा स्टॉपेज मैं दिखा नहीं पाता हूँ बिकॉज क्या है कि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्टकट मैं दिखाता हूँ। कोई कोई ऐसा स्टॉपेज जो दिखाने वाला वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो देख सकते हैं ये बाघा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। सो
सो अप्रोक्स अभी टाइम हो गया हुआ है, आपको बता 12 बज गया है, बागा पहुंचने में 12 बज गया हुआ, अब यहाँ से निकलेंगे। स्टॉपिज उतरे हुए हैं, सो यहाँ पे मुरादाबाद से पहले एक स्टॉपिज है, सो फिलहाल हम वहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को, क्योंकि कल मैंने 8 बजे मुजफ्फरपुर से गाड़ी पकड़ा था, वो ट्रेन अभी मुरादाबाद आ चुकी है, अब शाम को पहुँचाएगी 6:15 में आनंद विहार। तो मैं आपको दिखाता हूँ आनंद विहार में कैसा क्या है, बहुत सारा स्टॉपिज मैंने छोड़ दिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में नहीं दिखा पाया आपको, छोटा छोटा स्टॉपिज सब, लेकिन लंबा लंबा जो भी स्टॉपिज है सारा दिखाने की कोशिश किया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो चलते हैं मुरादाबाद, देखते हैं किस तरह से वहाँ पर रेलवे स्टेशन है और उसके बाद आनंद विहार कैसा पड़ता है, हापुड़ कैसा पड़ता है, सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम, मॉर्निंग का टाइम 9 बज गया हुआ है, अभी आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर हो गया भुजिया एंड यहाँ हो गया पराठा और यहाँ हो गया चटनी, मिर्ची का चटनी है, और इधर देखो भाई इधर आसपास। फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं मुरादाबाद, सो काफ़ी टाइम बाद हम लोग मुरादाबाद पहुँचे, अभी रात हो चुकी है एंड यू कैन सी गाइज यही है मुरादाबाद। मुरादाबाद में कुछ इस तरह के नज़ारा देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ पे लगी हुई हैं एंड यहाँ पे स्टॉपिज है जनसाधारण। आज काफ़ी टाइम लगने के बाद हम लोग गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं, सो ये हो गया गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन। सो मैं आपको दिखाता हूँ गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन किस तरह का है, वीडियो में बने रहे। बहुत जल्द हम लोग आनंद विहार पहुंचने वाले हैं, इसके बाद आनंद विहार का स्टॉपिज है और गाज़ियाबाद से पहले हापुड़ स्टेशन था जो आपको मैं दिखाया नहीं बिकॉज वहाँ पर ट्रेन स्पीड चल रही थी। सो ये हो गया गाज़ियाबाद, सो देख सकते हो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है एंड बहुत जल्द आपको आनंद विहार दिखाऊँगा। रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का व्यू है, काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है क्योंकि ये ट्रेन फिर रिटर्न जाएगी यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी पब्लिक खड़ी है और यहाँ से लोग ये गाड़ी जाएगी एंड यहाँ पे काफ़ी भीड़ इसीलिए देखने को मिल रही है। ये देखो भाई आनंद विहार टर्मिनल के नीचे कुछ अंडरग्राउंड में इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से बाहर निकलने का द्वार है तो हम लोग यहीं से बाहर निकलेंगे। देखते हैं बाहर आनंद विहार टर्मिनल के पीछे बाहर में कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनल का कुछ बोर्ड लगा हुआ है एंड यहाँ से निकलने का द्वार है एंड उधर से अंदर जाने का गेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी टैक्सी लगी हुई है, यहाँ पे बसें उसे भी लगी रहती है एंड देख सकते हैं कुछ यहाँ से जस्ट राइट साइड की ओर ये रास्ता जाती है, यहाँ से जाओगे तो आपको ऊपर कुछ दिख रहा होगा, ऊपर जो मेट्रो स्टेशन है एंड पास में ही मेट्रो स्टेशन है। सो अगर आप यहाँ आते हो इस तरह से तो मेट्रो स्टेशन जा सकते हो, काफ़ी नज़दीक यहाँ से सब चीज़ मिल जाएगा आपको, पास में ये हाईवे है एंड यहाँ से टैक्सी पकड़ के पूरे दिल्ली जहाँ भी जाना वहाँ जा सकते हो। सो यही है कुछ आनंद विहार टर्मिनल का व्यू एंड देख सकते हो गाइस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कमेंट करके बताना। हम लोग का बिहार से लेकर आनंद विहार तक का सफ़र यही रहा, सो मिलते हैं आपको कुछ आगे का नया। ये देखो भाई आनंद विहार से आगे आओगे तो कुछ इस तरह का ओवर ब्रिज मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है ऊपर, तो यहीं से मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता है नीचे से और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से बसें चलती है। इस पर आओगे भाई सड़क से, इस पर आओगे तो आपको यहाँ से बसें मिल जाएगी। तो ये बस स्टैंड है, यहाँ देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ आपको,
यहाँ से मेरठ के लिए, नोएडा के लिए, जहाँ भी सेक्टर 62-63 जहाँ भी जाना वहाँ जा सकती, यहाँ से बसें लगी हुई है। ठीक है, तो बोल दियो भाई। तो हम लोग थे वहाँ पे आनंद विहार, तो आनंद विहार से हम लोग आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा 62 की ओर। सो ग्रेटर नोएडा 62 की ओर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा ग्रेटर नोएडा 62 में, 62 में कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। तो हम आगे चलते हैं, आपको देख सकते हैं ये हो गया आपको गोल चक्कर। नोएडा 62 के पास आओगे तो इस तरह से गोल चक्कर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भाई देख सकते हो नोएडा का कुछ इस तरह के यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई नोएडा का। सो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, एक छोटा सा पार्क है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नोएडा सेक्टर 66 में। सो हम अपने पीजी के अंदर पहुँच गया हूँ, हमारे रूम है ये देख सकते हैं। एंड मैं बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। भाई जो ट्रेनें जो जिस ट्रेन से मैंने आया जनसाधारण एक्सप्रेस से, वो काफ़ी लेट चल रही थी, लगभग 3 घंटा लेट चल रही थी वो। सो हमें यहाँ पे छोड़ दिए लगभग 8-9 बजे करीब, अप्रोक्स 8-9 बजे छोड़ी है मुझे आनंद विहार। सो वहाँ से हम लोग फिर ऑटो ऑटो पकड़ के फिर आए आप सेक्टर 66 के अंदर। सो मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।